साकू जी बताइए ना, सगाई की सालगिरह पर आप क्या सरप्राइज देने वाले हो? अरे मैं अगर पहले ही बता दूंगा तो सरप्राइज तो बचेगा ही नहीं ना। देखिए साकू जी, अगर आप नहीं बताएंगे ना तो मुझे तो नींद ही नहीं आएगी, बताइए ना। अच्छा चलो ठीक है, बता दे। अच्छा हाँ। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने सरप्राइज के बारे में कुछ भी पूछा तो। हाँ अच्छा देखो, सरप्राइज जो है ना वो चांद से संबंधित है। ओके बाय। चांद से संबंधित क्या हो सकता है? अरे सागर जी आपका। हेलो सर, हम मिस्टर चांद बोल रहे हैं, चांद पे घोसला कंपनी से। चांद पे घोसला कंपनी? घोसला मतलब घर? मीमा, इसका मतलब सागर जी चांद पे घर लेने का सोच रहे? हाँ कहिए। हाँ तो मैडम, चांद पे बुकिंग के बारे में आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मेरा मोबाइल तो छूट ही गया। थैंक यू, बाय। मेरे लिए चांद पे घर लेने का सोच रहे हो? सागर जी अब मैं। सागर नहीं मिस्टर चांद, हम आपसे वो इंस्टॉलमेंट के पैसे लेने आए हैं। पैसे? कैसे पैसे? देखिए भाई, हमने तो चांद पर घर खरीद लिया है। अरे खरीदेंगे तो तब ना, जब हम आपको बेचेंगे। आप? मतलब मैं मिस्टर चांद, चांद पर घोसला कंपनी से। क्या हमारी फोन पे बात हुई थी? ओ हाँ, वो लकड़ी दे गई चुसाओ। आइए आइए आइए, पधार पधार। मैं मही मेहता, सागर जी की पत्नी। अच्छा हेलो हेलो मैडम। और मैं मिस्टर चांद। वाह भाई वाह, पूरे पूरे चांद का नाम भी ले लिया आपने। वेरी फनी वेरी फनी। वैसे मेरा पूरा नाम चांद ही है। बराबर, आइए आइए। वैसे हाय, अरे सॉरी। अच्छा चल, वो थोड़ा ऐसा। नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वैसे चांद भाई, आप ना बिल्कुल सही समय पर आए हो। पता है घर में कोई नहीं है तो सागर जी के सरप्राइज के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। राइट करेक्ट, बिल्कुल मई जी। वैसे चांद भाई, क्या ये बात सच है कि सागर जी चांद पर घर लेने वाले हैं? मतलब क्या है वो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कभी हो सकता है क्या चांद पे घर? बात हजम नहीं हो रही। कोई बात नहीं मई जी, हम आपको बताते हैं। देखिए चांद पे जो जमीन है वो चार टुकड़ों में बट चुकी है। अब जो चौथा टुकड़ा है वो हमारे देश के हिस्से में आया। हाँ बिल्कुल,
ये चौथा टुकड़ा है, चांद पे जो चौथा टुकड़ा है जो हमारे देश को मिला है उस पे घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को यानी कि चांद पर घोसला कंपनी को मिला हुआ है। ये देखिए मई जी, चांद से धरती पे आइए। ओह चांद भाई ये तो बिल्कुल सपने जैसा है पापा। अरे लेकिन ये सपना नहीं, बिल्कुल हकीकत हो जाने वाली है। आप बिल्कुल चांद पे रहने जाने वाली हो, वो भी 1000%। हाँ वाह, लेकिन चांद भाई हम लोग यहाँ से वहाँ ऊपर चांद तक कैसे जाएंगे? रॉकेट से। लेकिन चांद भाई आप लोग तो हमें जहाँ छोड़ोगे तो वहाँ से हमारा चांद का घर तो थोड़ा दूर होगा नहीं? और अभी तक तो वो क्या कहते हैं, बस, छगड़ा, रिक्शा, ट्रेन, वो सब चालू हुआ है कि नहीं ऊपर? मई जी आप बिल्कुल इनोसेंट है, सही में आप बिल्कुल बोलिए। अरे वहाँ पे रिक्शा, टैक्सी, बस की कोई जरूरत है ही नहीं। जैसे ही हमने आपको चांद पे छोड़ा, वहाँ पे आप सिर्फ चिल्ला देना, सुनिए हमें चांद महल सोसाइटी जाना है, बस इतना बोला और हवा आपको उड़ाते हुए चांद महल सोसाइटी पहुंचा देगी। वाह भाई वाह, मजा छे मजा। मैं जी सच कहूं, आपके हस्बैंड जो है ना वो बहुत स्वीट है। आज तक मैंने ऐसा हस्बैंड नहीं देखा जो अपनी वाइफ के लिए इतना बड़ा, इतना अच्छा सरप्राइज दे। हाँ मई जी, आपको उनकी ये सरप्राइज का पता है, आप उन्हें मत बताइएगा वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज। नहीं नहीं भाई, प्लीज प्लीज मत बोलिए, किसी की नौकरी चली जाए ऐसा काम तो मही बिल्कुल नहीं करेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मही जी। और मही जी आपके लिए दूसरी सरप्राइज भी है। अच्छा क्या? चांद पे सांस की पाबंदी है। सच्ची? मतलब आपकी सांस आपके साथ वहां नहीं होगी। हर्ष पापा तो देखिए चांद भाई, चांद पर सासू माँ के बिना बिल्कुल मजा नहीं आएगा ना। कोई बात नहीं मई जी, आपके लिए स्पेशल, आपके लिए स्पेशल परमिशन दे देंगे। हाँ, तो बराबर छे। बस तो माई जी अब आप चांद पर चली गई हो, उसके सपने देखना शुरू कर दो। वेलकम टू मून विथ योर लवली हस्बैंड सागर मेहता। रोहित, जब तक आप सोनिया को कोई ऐसी बड़ी सरप्राइज गिफ्ट नहीं दोगे ना, तब तक सोनिया आपसे रूठी रहेगी, बात ही नहीं करेगी बस। सोनिया ये क्या बचपन है, माय गॉड मैंने तुम्हें बताया क्यों? वो जो कुछ भी हो, सोनिया को भी सागर भैया जैसी मई को गिफ्ट देने वाले ना, सेम वैसी गिफ्ट चाहिए बस। और अगर नहीं दिया ना तो सोनिया लंदन चली जाएगी। लगता है फिर से सपना देख रही है, सपने में किसी सब्जी के बगीचे में और ऊपर से ऐसे सब्जी तोड़ ली। मई बापे ये क्या है, सपना देख ली है? आप तो पंथ नहीं आए। वीरा पंख भी आ जाएंगे, बस कुछ दिनों की देर है। तो फिर आप एक काम चलना, आप माल के जाना और सारा सामान ऐसे उठते उठते थलीते लाना, मैं चलते चलते जाता हूँ ना, बहुत थक जाता हूँ। वीरा मजाक मत करो। चलो तो आपने दिया ना, आप भी मत चलो, थोड़ा काम चलो। काम ही तो कर रही हूँ। अब ये क्या था? हाँ, वो था ये
गुरुत्वाकर्षण दुलुता तलसन तलसन ता दुलु मेरी तबियत पागल हो जाए मैम अब तलना है तला भाई मही मही सोनिया ने सुना है कि सागर भैया तुम्हें कोई गिफ्ट देने वाले हैं हाँ हाँ भाभी क्या बताओ बताओ ना सोनिया भी रोहित से वही गिफ्ट लेगी अच्छा हाँ अरे रोहित भाई मही को पता चलेगा ना कि मैंने सरप्राइज आपको बता दिया है लेकिन उसको नहीं बताया तो वो सीधा वेरा खड़ी चली जाएगी ठीक है फिर मैं एक काम करता हूँ तो मॉम को कॉल कर देता हूँ और उनसे ये कहता हूँ कि जो बर्थडे गिफ्ट तूने उनको दिया ना उससे भी ज्यादा महंगा गिफ्ट तू मही को सगाई की एनिवर्सरी पे दे रहा है ठीक है ओके अरे अरे रोहित भाई क्या कर रहे हो आप अरे मॉम को पता चलेगा ना तो वो सारा प्रचार का काम वाम छोड़ के महाराष्ट्र से सीधा अहमदाबाद की फ्लाइट पकड़ लेगी और यहाँ आके मेरी बैंड बजा देंगी फिर बोल अच्छा क्या सागर भैया सोनिया को पता है कि आप मही को क्या सरप्राइज गिफ्ट देने वाले क्या मही को सरप्राइज के बारे में पता है हाँ और बड़ा मस्त सरप्राइज गिफ्ट है इतना सा टुकड़ा चांद का अरे मही को सरप्राइज के बारे में कैसे पता चल गया अगर जी अगर मैं आपको सरप्राइज बता दूंगी तो फिर सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा ना अरे मही लेकिन जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम्हें मेरे सरप्राइज के बारे में कैसे पता चला तब तक मुझे नींद नहीं आएगी ना अरे बाप रे आपको मेरे जैसा रोग कब से लग गया अच्छा ठीक है बता ही देती हूँ आपको तो सुनिए सरप्राइज ये है कि मुझे बहुत नींद आ रही है मैं तो जा रही हूँ अरे देखो मही अगर तुमने मुझे सरप्राइज के बारे में मेरी कसम अगर आपने मुझे कसम दी है तो अच्छा बाबा मेरी बिल्ली मुझे से मैं आऊं ओहो सागर जी मुझे बहुत नींद आ रही है यही सरप्राइज है बस खुश जय अंबे अरे मही मही को किसने बताया कि मैं उसे चांद के पेंडेंट वाला हार चंद्रहार गिफ्ट में देने वाला हूं सॉरी मही जी मुझे आपको इस ऑफिस में बुलाना पड़ा हाँ तो कहिए क्या कहना था मही जी आपके लिए एक बुरी खबर है क्यों चांद भाई ऐसी क्या बुरी खबर है आपका जो चांद पे फ्लैट खरीदने वाला मौका है वो आपके हाथ से जाने वाला है मैंने तो चांद पर जाने के बहुत सारे सपने देख रखे ना 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 अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके हस्बैंड सागर मेहता वो ये सौदा कैंसिल करवा रहे हैं क्यों पता नहीं कह रहे थे कि बजट में कुछ 4 लाख रुपए की कमी है ऐसे कैसे कम पड़ गए चांद भाई देखिए आप लोगों ने जब बुकिंग शुकिंग किया होगा तब तो घर की कीमत तय हुई होगी ना तो फिर अब कैसे 4 लाख कम समझ में नहीं आ रहा कुछ आई नो लेकिन क्या है कि मैंने दुनिया में अप एंड डाउन तो आते रहते हैं ना अब देखिए ना कि ये जो यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने होम टैक्सेस पे 25 पैसे बढ़ा दिए इसलिए 4 लाख रुपए बजट में बढ़ गए तो बोलो चांद पर भी टैक्स अरे मही जी आप बहुत भोली है हर जगह टैक्स ही टैक्स है इंसानों की सांसों को छोड़कर हर जगह टैक्स ही टैक्स है सच्ची बात छे सॉरी मही जी मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता एक बात हो सकती है मही जी क्या माने मैं भी अगर आपके पास 4 लाख रुपए हो तो अगर आप दे दो तो सब कुछ हो सकता है पता है आपके हस्बैंड कितने माने दुखी साउंड कर रहे थे अपने आप पे बहुत गुस्सा हो रहे थे कह रहे थे कि सिर्फ 4 लाख रुपए के लिए मैं अपनी बीवी को इतनी बड़ी खुशी से महरूम रख रहा हूँ ठीक है चांद भाई मैं आपको 4 लाख रुपए दूंगी
मही, सोनिया भाभी तुमसे कुछ बात कर रही थी, तुमने उनको ठीक से जवाब नहीं दिया, और तुम यहाँ मुंह लटका के क्यों चली आई? सागर जी, आपको मेरे लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? मही, तुम उस सरप्राइज गिफ्ट के बारे में बात कर रही हो ना? हाँ। अरे बाबा, मैं अपनी बीवी के लिए नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा? वो सब ठीक है सागर जी, लेकिन इतना महंगा तोहफा? ओहो मही, तोहफा देते वक्त महंगा सस्ता नहीं देखा जाता। अच्छा तो, लेकिन सागर जी, अपनी सासू माँ को इसके बारे में बताया कि नहीं? वो मानेगी कि नहीं? अरे मही, तुम मॉम की बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने जैसा तोहफा तुम्हें दिया है ना, बिल्कुल वैसा ही तोहफा मैं मॉम को भी दे दूंगा तो वो भी खुश हो जाएंगी। क्या? हाँ। नहीं 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 सागर जी, अरे हमारे लिए तोहफा खरीदा उतने में सारे पैसे चले गए, तो अगर हम सासू माँ के लिए खरीदेंगे तो एक मिनट मही, मही हमारे लिए का क्या मतलब? अरे ये तोहफा हमारे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। अच्छा, मेरी अकेली के लिए? हाँ। ना 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 सागर जी, ऐसा तोहफा मुझे नहीं चाहिए। अरे मैं अकेली नहीं जाऊंगी पापा। कहाँ अकेली नहीं जाऊंगी? अरे चांद पर। मही, कौन तुम्हें चांद पर लेके जा रहा है? लो बोलो। अरे चांद भाई, चांद पे घोसला वाले भाई। What? चांद भाई? अरे वो तो ज्वेलर है, उसी के पास से तो मैं तुम्हारे लिए चंद्रहार बनवा रहा हूँ मही। चंद्रहार? हाँ। ओहो मही, वडोदरा में जो मेरा मराठी दोस्त रहता है ना, समीर गरुड़, उसने अपनी वाइफ के लिए चंद्रहार बनवाया, तो मैंने सोचा बिल्कुल वैसा ही तोहफा मैं अपनी मही के लिए लूंगा। आप हार देने वाले हो? हाँ बाबा। हाय हाय सागर जी, मैं तो बहुत बड़ी साजिश में फंसने वाली थी। कैसे? वो हुआ यूं। अरे मेरी भोली बीवी, एक बार मुझसे बात तो कर लेनी चाहिए थी ना। अरे ऐसे थोड़ी कोई चांद पे लेके जा सकता है, उसने तुम्हें उल्लू बना दिया मही। सागर जी, चांद भाई ने मुझे उल्लू बनाया है ना, तो अब हम उसे उल्लू बनाते हैं। हेलो चांद भाई, 4 लाख का इंतजाम हो चुका है, अब एक काम कीजिए, अब हमारे घर पर आ जाइए। चांद भाई, ये लीजिए आपके 4 लाख रुपए। थैंक यू वेरी मच मही जी, मैं लेता नहीं लेकिन। ये क्या हो रहा है मही जी? अच्छा चांद भाई, अब तो हमारा सपना पूरा होगा ना? और हमारा सपना टूट जाएगा उसका क्या? मही जी, ये लोग कौन है? अब इन्हीं से पूछ लीजिए, पूछो। हेलो, आप लोग कौन हो? एलियन 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 एलियन। चांद पर जमीन बेचकर हमें हमारे घर से बेघर करना चाहता है। आक्रमण! ये! ऐसा तो नहीं है। ये ठीक नहीं हो रहा है ये। तो मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। अरे तो फिर आपने ये सब किया क्यों? एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको छोटे में सुनाता हूँ। समीर? नहीं। तो सागर? हाँ। सागर जी, आपने मुझे वो पेंडेंट के लिए फोन किया था, राइट? तो उसके बाद में मैंने आपको कॉल बैक किया था, तभी आपकी जगह आपकी मिसेज ये महीने ने फोन उठा लिया था। अब उनकी बात सुनकर, उनका भोलापन देखकर
मैंने सोचा कि मैं इन्हें उल्लू बना सकता हूँ। ऊपर से मुझे वो आपके सरप्राइज वाली बात पता चली तो मैंने ये प्लान बना लिया। ये प्लान से तो मैं मही जी को उदल जाओ उदल मही जी आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी हेलो उदल लेते जाइए। सागर जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात अब तो मुझे इन चीजों की आदत हो गई है। ये लो तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट। वैसे अब तो ये सरप्राइज रहा नहीं। सगाई की सालगिरह मुबारक हो। आपको भी। ए रोहित सोनिया का चंदन हार वो मैं भूल गया। भूल गया करिए ला गुदगुदी। अरे 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 मॉम का फोन है। हेलो हाय मॉम। हाँ अच्छा अरे वाह मॉम। नो 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 प्रॉब्लम मॉम या बाय। अरे मही एक गुड न्यूज है। क्या? हम लोग दिवाली के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ये! और क्यों? अरे वो उफ ये नादानिया की वर्मा परिवार है ना वो तारावंती जी। हाँ उन्हीं के घर। उन्होंने फोन करके मॉम को पूरे मेहता परिवार के साथ उनके घर बुलाया है। क्या हाल हो आप पते ले तलो ये दो दो डाउन में हम में से तीसरी तो नहीं जमेदा।